हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं हूं कोमल कटारिया और ये है मेरी पाराशा बेटा वीरा। और मैं आ गई गाइस घर पे, एकदम से प्लान बनाया। पावनी ने सबको बताया कि आज मम्मी घर जा रही है, आज मैं मेरे मामू के घर जा रही हूँ और मुझे ही नहीं पता मैं घर आ रही हूँ। सब कह रहे बैग पैक कर लिया तू घर जा रही है, मैं कह नहीं, किसने बोला? यार पावनी ने बोला। मैं कह अच्छा जी, वो कहाँ है? मच्छर नहीं है वो, मच्छर नहीं है वो, मच्छर नहीं है वो। ओ भाई इसको ना ले बेटा, ना ना मेरा बच्चा, ना मेरा बच्चा। ध्रुव इसको बाहर रखिए, देख काट ली। फिर तेरे को ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें क्यों चाहिए बेटा, ये बता मुझे है। देख देख देख, डमरू मिल गया इसका। बड़े दिनों बाद डमरू ढूंढ डांट के हम डमरू लेकर आए इसके लिए। साफ कर लूं। गाइस कल था मम्मी का बर्थडे 1 जनवरी को। हैप्पी बर्थडे विश कर देना सब, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। और इस केक पे किस किस का नाम लिखा है कमेंट करके फटाफट से बताओ मुझे। इस पे बहुत लोगों के नाम लिखे हैं और बीच में लिखा है माँ। सो फटाफट से कमेंट करो किस किस के नाम है इस पे और कितने नाम हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल को कितने साल हो गए वो भी बताओ फटाफट कमेंट करके। मम्मी कह रही है तानसेन कब सोएगा। हाँ बेटा बातें करोगे? देखो नानी ने कितने सारा पानी निकलवा दिया। बातें करोगे? वो बोला मैं भी हूँ। तुम भी हो यार? किरण मैं भी हूँ, मुझे तो देख लो कोई। हाँ भाई मेरे म्यूजिक मास्टर सो जाए। कैसे मुंह पर ना मार दे बेचारे पे, एक तो सो गया इसके उसके मुंह पे ही बटा देगा। बेटा पावनी के पास नहीं जाना, मम्मा पास ही आया। ओली मेरा बच्चा, टिंग 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 टिंग, क्या जा गाना गाते हैं। दरवाजे तो बंद कर देना, अपना छोड़ेगा ना तो मोर का डांस देख लेगा। ऐप हो जाएगा भाई। एक मनीषा की दादी की अम्मा, मनीषा की जो अम्मा है उसकी बात बताएंगे आपको बढ़िया वाली। मनीषा की जो अम्मा है ना, बंदर आते थे 10-15 मान लो इकट्ठे, यूपी में है वो, तो उधर आ जाते हैं बहुत सारे, तो बंदूक लेके उनके पीछे भागती आज भी। और वो 87 इयर्स की है, मतलब सर सोच सकते हो, बंदूक डाल के गोली और उनके पीछे पीछे भागती है बेचारे बंदरों के, इतना मतलब वो उनके अंदर। ये देख बोलो बोलो हम देखा, मैं ना विकी गई थी ना तो जाएगा इसको क्या, वो चलेगा अच्छा वो है ही ना। हाँ। वही मोर है क्या? हाँ मोर है, गेम हो रहा है, कोई डील ही नहीं है, फिर अभी नीचे चले जाएगा। हाँ। नहीं बेटा। हाँ। अभी नीचे चले जाएगा, फिर हमारे भतीजे आ गए, वो वीडियो पे नंद पे दिखाई करा, फोटोज देखती हूँ ना। मनीषा ने एक मोर हिला रखा है अपने घर पे, रोज उसको खाना खिलाती थी शादी से पहले, शादी होने के बाद डेली फिर उसके घर में आके सारे कमरे में को करके उसको ढूंढता। वो काफी साल बाद भी अब दोबारा आने लगा है। वो मौसी जी उसको खाना खिलाती है और ये कभी जाती है तब ये, तो मतलब फर्क पड़ता है। तो जितना आप प्यार दोगे ना उतना ही आपको प्यार मिलता है, चाहे उसमें फैमिली हो चाहे उसमें पिकॉक हो। देखो ये रहा गाइस, और इधर रियल प्रूफ है। हाँ। ये तो मैं घर जा रही थी ना तो खाई, तो मम्मी ने इसको देखो, फर्क पड़ता है भाई। देखो प्यार बहुत ताकत है, प्यार में सबसे ज्यादा जो चीज होती है ना, ये बड़ी किला में जब बड़े कम है गए ना, कुत्तों की कैसे आदत हो रही है ऊपर चढ़ के खून लोगों को। तुझे पता है जब हमारा बिट्टू था ना, हमारे पास एक डॉगी था शादी से बहुत, मेरे शादी से पहले, तो जब मेरी माँ की डेथ होने वाली थी ना, या फिर प्रबीरा बुआ की मनीषा, उसने हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन पहले खाना छोड़ दिया। वो खाना ही नहीं खाता था कम से कम 10-10 दिन तक, और रोता था रोज रोता था। एग्जैक्टली। और एक चीज और हुई थी कि जैसे विक्की मम्मी हॉस्टल याद है,
जब विक्की को हम हॉस्टल छोड़ के आते थे ना और वापस आते थे, बिट्टू पूरी गाड़ी के चारों खिड़कियों पर ऐसे पंजे मारता था कि कहाँ है विक्की का, क्योंकि विक्की बहुत अच्छा लगता था इसको, क्योंकि भाई खेलना छुपन छुपाई तक खेलती थी यार हम अंदर, और अलमारियों में घुस जाते, ऊपर चढ़ जाते, और वो पूरे में गुड ढूंढ देता था मैं, इतना वो था। एक डेढ़ दो साल में भाई ऊपर से ही, ऊपर की सीढ़ियों से छलांग लगा जाते थे, और पता है क्या, जैसे सूरज भैया रुकते थे और कहीं जाते थे ना थोड़ी बहुत देर के लिए, पैर पकड़ के बैठ जाते, तो उनको ये था कि वापस चले जाएगा। रात के बज रहे हैं गाइस, ग्यारह बजने में करेक्ट 10 मिनट है, और इनकी नींद देख लो कहाँ है, देखो ये देख दिवाली कर, हैप्पी दिवाली मम्मी फोन। तो गाइस अभी ये लोग सारे मस्ती कर रहे हैं, इसको देख लो। विराज कहाँ जा रहे हो, मम्मी उसका डमरू दे दे इसको उधर। ओ भाई बालों में आ रहा है इतना ज्यादा ऑयल, मेरे हद से ज्यादा पूरा चमक भी रहा होगा, लाइट मेरे सर के ऊपर है जस्ट। और मम्मी आप कुछ अपनी बात बता रहे थे कि आप बचपन की वाली बात बताओ। पता है जब मैं छोटी थी ना तो बचपन में मैं बहुत शरारत करती थी, कभी मम्मी की बाल खींचती थी दो बार दो बार, और नवी कभी तो मेरे बाल के पटक जाती थी जब चलती थी मैं, और जब मैं नीचे पैदल चलती थी तो जराम गिर जाती थी। और जब मैं टीवी में वो डोरेमोन देखती थी ना, क्या देखती थी, वो कंसर्टन था, बहुत सारे देखते थे बेटा, जैसे कि मैं सिंचन जब देखती थी। नहीं आपने सिंचन कभी नहीं देखा, सिंचन मैंने देखा, मैं सिंचन देखती थी जब पापनी मेरी टम्मी में थी। आप बेटा आप दो चूहे देखते थे, आपको फेवरेट थे। जब मैंने दो चूहे देखे ना, मुझे उसे देख के चलने लगी और नाचने लगी ना, नाचने और नाचते नाचते ना पैर फिसला, धड़ा मैं मुंह लगा नीचे कर मैं सर टूट गया मेरा। भैया मेरे को इतने दिन हो गए, 3 दिन, मैं 2 तारीख को आई थी ना मम्मी, 2 तारीख को आई थी मैं, ये रोज 12:30 बजे सोते हैं ऐसे ही मेरा सर खा के, हम लोग 10:30 बजे जो है लाइट्स वाइट्स मतलब बंद कर देते हैं, इसको तो अंधेरे में 1 घंटा खेलना है ही है विराज को, मतलब 1 घंटा तो इसको खेलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, धरती आँख की वाह हो जाए, ये 1 घंटा जरूर खेलता है अंधेरे में, यहाँ पे भी घर पे भी खेलता था। पानी ऐसे नहीं करो, कितनी मस्ती आ रही देख, कितनी मस्ती आ रही देख, है ना, हाय फाय। अच्छा गाइस को हेलो गाइस तो बोल दे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग करके। मैं फिर शूट नहीं कर रही, करो बोलो हेलो गाइस वेलकम टू द हैप्पी यूजर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ब्लॉग गाइस, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बताना कि आपको आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, साथ ही इंस्टाग्राम पे कर लेना फॉलो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।